हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। आज की इस वीडियो में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। अगर आप 8वीं, 10वीं, 12वीं और डिप्लोमा पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो में जानेंगे फुल डिटेल सिलेबस के बारे में। 30 कोरोना के बीच में आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है कि आप इस फॉर्म को भरें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियो की अपडेट मिल सके। साथ ही स्टडी से संबंधित नोट्स या पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि नेम ऑफ पोस्ट इसमें कितने सारे। तो लगभग इसमें 8 नेम ऑफ पोस्ट है, जिसमें कि साइंटिस्ट बी, जूनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट, सीनियर टेक्नीशियन, डाटा एंट्री ऑपरेटर, जूनियर टेक्नीशियन, जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट, लोअर डिवीजन क्लर्क और अटेंडेंट एमटीएस है। ढेर सारे पोस्ट है, लेकिन आप लोगों के लिए सिर्फ इसमें 4 पोस्ट है, जैसे कि डाटा एंट्री ऑपरेटर, जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट, लोअर डिवीजन क्लर्क और अटेंडेंट एमटीएस। आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में डिटेल जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि आप इस फॉर्म को कहाँ भर सकते हैं। तो आपको सर्च करना होगा cpcb.nic.in या फिर इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यह फॉर्म 5 मई 2020 से फॉर्म फिल होने लगी है। इसकी जो लास्ट डेट है वो है 25 मई 2020 है। तो जल्दी से इस फॉर्म को आप भरें। तो चलिए आगे देखते हैं पोस्ट बाय पोस्ट फुल डिटेल के साथ। तो चलिए जानते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के बारे में। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 2 है, ओबीसी के लिए 1 है और यूआर के लिए 1 है। यहाँ पे जो आपका पे स्केल है 25,500 से लेकर 81,100 तक है। आपकी जो एज होनी चाहिए वो बिटवीन 18 से 25 के बीच में होनी चाहिए। अब बात करते हैं एडुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो आपको 12वीं पास होनी चाहिए कोई भी यूनिवर्सिटी से, और आपको 8000 की पर डिप्रेशन आपको टाइपिंग आनी चाहिए। अब बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो अगर आप एसएससी का एग्ज़ाम देते होंगे अभी, तो उसमें जीके से 25 प्रश्न, रीजनिंग से 25 प्रश्न, मैथ से 25 प्रश्न और इंग्लिश से 25 प्रश्न। तो यही पैटर्न आपके डाटा एंट्री ऑपरेटर में होने वाली है। तब बढ़ते हैं नेक्स्ट पोस्ट के बारे में। तो अब बात करते हैं जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट। तो इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 7 है, एससी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 है और यूआर के लिए 2। अब बात करते हैं इसके पे स्केल के बारे में। तो वो है 19,900 से लेकर 63,200 और आपकी एज होनी चाहिए 18 से 25 और एडुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 12th क्लास आपको पास होनी चाहिए कोई भी यूनिवर्सिटी से। तो चलिए अब बात करते हैं लोअर डिवीजन क्लर्क के बारे में। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 13 है, एससी के लिए 2, एसटी 1, ओबीसी 3, ईडब्ल्यूएस 1 और यूआर के लिए 6 पोस्ट है। तो यहाँ पे जो पे स्केल है आपका वो 19,900 से लेकर 63,200 रुपये तक है। आपकी जो एज होनी चाहिए वो 18 से 25 होनी चाहिए। अब बात करते हैं एडुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन पास होना है और आपको इंग्लिश के लिए 30 स्पीड चाहिए और हिंदी के लिए 25। तो अब बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पर अगर आप एसएससी के पहले एग्जाम देते होंगे तो उसी पैटर्न पर यह आधारित है। इसमें 50 जीके के, 50 रीजनिंग के, 50 इंग्लिश और 50 मैथ के प्रश्न होंगे। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट पोस्ट की ओर। तो अब बात करेंगे एमटीएस के बारे में। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो 3 है, ओबीसी के लिए 1 और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है। इसमें जो आपका पे स्केल है वो 18,000 से लेकर 56,900 रुपया है। एज होनी चाहिए आपकी 18 से 25। तो यहाँ पर आपको 8वीं पास होना चाहिए। तो अब बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पर जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो सिलेबस था उसी तरह इसका भी एमटीएस का भी सिलेबस है। तो यहाँ पर 25 क्वेश्चन आपके जीके से होंगे, 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से होंगे, 25 क्वेश्चन मैथ के होंगे और 25 इंग्लिश के होंगे। तो यहाँ पर आपको कोई भी सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स के स्कैन कॉपी यहाँ पर अपलोड नहीं करने होंगे और फॉर्म फिल करना बहुत ही आसान है। आप अपने मोबाइल से भी यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं और यहाँ पर जो भी एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन आप फिल करेंगे वो 25 मई 2020 के पहले के होने चाहिए। अगर आपके बाद के होते हैं तो आपको मान्यता नहीं मिलेगी। अगर आपको यहाँ पर सभी पोस्ट के लिए फॉर्म फिल करनी है तो आपको अलग अलग सेपरेट फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा सभी पोस्ट के लिए।
मैं आप लोगों के लिए जल्द ही इसके प्रीवियस ईयर पेपर का वीडियो लेकर आऊँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।